मौजूद मेरे अमन पसंद बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बाफजले खुदाबंदे आलम खैरियत से होंगे। लद्दाख में इज्जत लुट जाने के बाद से मूत्री सरकार बहुत तनकीद की जद में है। मूत्री मीडिया भी कहानियां सुना सुना कर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ये दुनिया की पहली लड़ाई है चाइना ने घूसों मुक्कों थप्पड़ों के साथ मार मार कर जो है लद्दाख पर कब्जा कर लिया है। कुछ वीडियोस वायरल हुई जिनमें लद्दाख में रहने वाले खुद चाइनीज फौज को बता रहे थे कि मूत्री चूहे कौन कौन सी बिल में छुपे हुए हैं। चाइना से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद आज सूत्रों ने खबर दी है कि लाते घूसे मुक्के खाने के बाद मूत्री आर्मी को नॉलीवुड की फिल्म बागी दिखाई गई, जिसमें टाइगर सौरभ चाइनीज आर्मी को मारता है और साथ ही कहा होश करो अन्नी देओ, चाइना ने साड़ी सीमा ते रेखा दोवां दा उल्लंघन कर दिता है, ते तुसे खाली तेरी माँ की तेरी बहन की ते लगे हुए हो, होश करो कुत्ते हो, हिम्मत करो ते कुछ करके वखाओ, टाइगर सौरभ बनो बस ते फेर की सी। सूत्रों के अनुसार आज मूत्री आर्मी ने नॉलीवुड फिल्म समझकर चाइना पर हमला करके एक मूत्री कर्नल और दो मूत्री फौजरी मरवा लिए हैं। मूत्री मीडिया तादाद कम बता रहा है, सूत्रों के अनुसार मरने वालों की तादाद ज्यादा है और सूत्रों के अनुसार चाइनीज फौज 50 मूत्री फौजी उठा कर ले गई, जिसमें बड़े रैंक के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। चाइना ने साफ कहा है कि अब अगर ज्यादा टख टख बक बक की तो सारे मूत्री पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। सूत्रों के अनुसार आज जनरल बख्शी की वीडियो पाकिस्तान में काफी वायरल हुई, जिसमें नफसियाती मरीज ठीक रो रो कर कह रहे हैं कि ये लड़ाई का कौन सा नया तरीका है, घूसों मुक्कों और डंडों के साथ हमारा कर्नल और दो मूत्री फौजी मार दिए, यानी गोली भी नहीं चलाई। बॉलीवुड में तो नॉलीवुड में तो हीरो गोली को अपने हाथ से रोक लेता है और यहाँ घूसों मुक्कों से ही मूत्री फौजी का जो है देहांत हो गया है। बख्शी साहब, ये आपकी मूत्री फौज को बेइज्जत और जलील करने का तरीका है। पहले ही बहुत समझाया था, सांप के मुंह में बोकर ना दो, यानी सांप के मुंह में झाड़ू जैसी मूछें रख लेने से बंदा गैरतमंद नहीं हो जाता। ऐसी मूछें जो है अक्सर भड़वे रखते हैं। मूछों से कोई नहीं डरता, बगैर मूछों वालों ने तुम्हारी छित्रो छित्री करके तुम्हें जो है रख दिया है। वो पाकिस्तान था जब छित्तर पड़े थे तो आतंकवादी आतंकवादी का शोर मचाकर तुम पूरी दुनिया में हकते थे। होण गल इंज नहीं मुकनी काका। सूत्रों के अनुसार ये भी खबर हमें जो है हम तक पहुंची है, अब चाइना मजीद भारतीय इलाकों पर भी कब्जा करने जा रहे हैं। अखंड मूत्रिस्तान ने रास्ते में ही जो है मूत दिया है और इसने अपनी जदीद मुक्क और डंडों से लैस फौज पर जो है वो भी बॉर्डर पर तैनात कर दी है और चाइना भारत की जो है सीमा और रेखा का मजीद उल्लंघन करने का प्लान कर चुका है। सूत्रों के अनुसार चाइना से झड़प होते ही मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गई है। अभी तो इब्तदा है, इंशाल्लाह आगे आगे देखते जाओ, अभी आगे बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें, बहुत से सरप्राइज हैं। मूत्रियों से सारे पुराने हिसाब चुकाने का वक्त आन पहुंचा। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय और मूत्री तीनों अफवाज के जनरल्स की आज बैठक हुई, जिसमें भारत की सीमा और रेखा को उल्लंघन से बचाने के लिए कड़ी बहस हुई, लेकिन इस दफा उल्लंघन किसी की सुनने के मूड में नहीं है। मूत्रियों की भड़के और बकवासें इसका रिजल्ट अब उल्लंघन मुक्कों थप्पड़ों और किक्कों से छित्रोल करके मूत्रियों को इनकी औकात बता रहा है कि तुम्हारे लिए किसी गोली को जाया करने या असला की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारी तो हम थप्पड़ों मुक्कों किक्कों से ही बजाकर रख देंगे। सूत्रों के अनुसार मूत्री फौज ने मूत्री सरकार को रिपोर्ट दी है कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते, इसलिए जिस सीमा और रेखा पर चाइना ने कब्जा किया है वो सब इलाका चाइना को दे दो। मूत्रियों तुमने ये भी तुम ना भी दो ना मूत्रियों तो भी चाइना तुमसे वो इलाका छीन चुका है।
वो वापस जाने वाला नहीं है। हमारी दुआ है कि भारत की सीमा और रेखा चाइनीज उल्लंघन से बच जाए, वरना मूत्रियों की आने वाली नस्लों की जुबान भी मिक्सचर हो जाएगी और इनकी गालियां वो भी बदल जाएंगी। चिंग पिंग तेरी माँ का, तेरी बहन का, यंग पिंग चिंग तेरी माँ को कितनी अजीब फिल्में बना करेंगी। थ्री यंग किंग चिंग, दिल तेरा चिंग चिंग, रंग दे शॉपिंग चिंग, वगैरह वगैरह। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहुत हुई तुम्हारे साथ, ठीक हुई तुम्हारे साथ। अल्लाह ताला आप सबकी हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।